अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज मेरे घर पे है इफ्तार और मैंने तो सब फ्रेंड्स को इनवाइट किया है। देखते हैं कि सबसे पहले कौन आता है। मैं तकरीबन 3-4 बजे से उठी हुई हूँ और भाभी के साथ काम करवा रही हूँ। हमने फ्रूट चाट बनाई है, हमने पकौड़े बनाए, हम कब से लगे हुए हैं। कुछ चीज़ हम बाहर से मंगवाएंगे, सब तो नहीं बना सकते ना। और बिरयानी हम बनाएंगे अपने दोस्तों के लिए। हमजा ने मुझे कहा था कि बाहर से नहीं मंगवाना, हमजा मेरा फ्रेंड है और बाकी सब भी फ्रेंड है, भाई जैसा फ्रेंड है वो मेरा। तो हमजा ने मुझे कहा था कि ना तो घर में बिरयानी बना लो, इतने ज़्यादा लोग तो नहीं है। तो मैंने कहा चल ठीक है, घर पे बना लेते, वरना मैं हर इफ्तार में ना बाहर से मंगाती हूँ। और मेरे अक्सर दोस्त शिकायत करते हैं कि आप हफ्ते बाहर से क्यों मंगा लेती हूँ। तो इस बार मैंने कोशिश की कि मैं घर पे बनाऊँ। अब जैसी भी बनेगी खानी तो पड़ेगी। तो आओ मैं आपको दिखाती हूँ गाइस सबसे पहले कौन आता है हमारे घर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हमजा? तुम बताओ क्या हाल है? मैं ठीक ठाक हमजा। सबसे पहले गेस्ट तुम आए हो अभी। सबसे पहला गेस्ट मैं हूँ। हाँ। और सबसे जाने वाला भी पहला गेस्ट। क्यों हमजा, कहाँ जा रहे हो हमजा? उम्रे पे हो, तुम भूल गए क्या? हमजा मुबारक हो, बहुत हमारे लिए दुआ करना, खजूरे लाना। कितनी, 2-3 या 4-5? बस 2 किलो ले आना अजवा। और क्या, मेरे बैग लगे खजूरों से। कोई मुझे कह रहा है 5 किलो ले आना, कोई कह रहा है 10 किलो ले आना। मैं कह रहा हूँ मैं खजूर खरीदने जा रहा हूँ, उम्रा करने जा रहा हूँ। नहीं, सबके लिए ना 5-5, 6-6 पीस लाना। लेकिन मैं कहता एक एक खाने ज्यादा बेटर है ना। हमारे ग्रुप में बहुत होता है, बहुत ज्यादा मसला है, सबको गिन गिन के देना प्लीज। अच्छा मैंने सोचा मैं एयरपोर्ट यार वगैरह एहराम मत पहनना, तो मैंने कहा यही पहन के एयरपोर्ट लगाऊंगा और वहाँ पर चेंज कर लूंगा। ये हमजा का लुक है आज का, व्हाइट ड्रेस। वाह हमजा अच्छे लग रहे हो। थैंक यू सो मच। उसमें ड्रेस अच्छा लग रहा है। थैंक यू हमजा। मैं बस कौन कौन आ रहे, कौन कौन रह गया यार? अभी साइमा हम वगैरह आ रहे हैं, फलक भी शायद आए, स्वीटी आए, सबको बोला तो हुआ है। बाय द वे आई लाइक द कलर कॉम्बिनेशन, तूने ब्लू का जो कंट्रास्ट किया ना, ब्लू ना। हाँ मुझे काफी लैंप वगैरह, कॉर्नर लैंप, यू नो, सब कुछ ब्लू ब्लू कर दिया मैंने। अच्छा तूने रूम नहीं देखा ना, चला तो रूम दिखाऊं। अच्छा 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 अच्छा, वाओ उसमें को रूम देखते हैं गाइस। ओके हमजा, नॉक नॉक, कौन आया? Oh my God, Usman. Oh कैसा my है हमजा? कैसा लग रहा है? अच्छा मैं ना तेरे जब तूने अपने कपड़े बोले ट्रांसमिशन वीडियो बनाई थी। हाँ हाँ हाँ। तूने अपने कपड़े देखे थे यहाँ पर, तो मैंने थोड़ा नीचे क्लीन आया, उसमें शायद सोफा डाल रहे थे ना। हाँ। तो यार ब्लैक एंड व्हाइट से कॉम्बिनेशन। हाँ उसमें आप से ना पहले सबको बेडो बैठना पड़ता था कमरे के अंदर। हाँ आप जो भी आए सोफे पे बैठे, कमरे में नहीं आते हैं। हाँ क्लोज फ्रेंड जब हम लोग बैठे होते ना, जरा अलग अलग अगर हमारा पुराना लोग देखने आते, हम कपड़े निकाल निकाल यहाँ पूरे पानी में। अगर मेरे पिछले में देखेंगे ना, उसमें ट्रांसमिशन वाला जो उसमें अवतार देती, यहाँ से मैं अपने कपड़े निकाल अलमारी के ऊपर से। समझा आप अलमारी देखेंगे खाली, अब सिर्फ जाए नमाज पड़ी हुई है, सिर्फ एक मैं ही हूँ जो योगा देख सकता हूँ। हाँ हम में से कोई ऊपर तक पहुँच नहीं सकता। ये अच्छा होगा तेरे अलमारी में मिरर भी आ गया, कुछ लेनी हो कुछ लेनी हो, है ना। यहाँ वाला मिरर बाहर लगा दिया ना मैंने, उसमें हमें देखो, उस्मा और मुझे देखो जरा, उसमें से मेरे जितना है पता ही है। हाँ उस्मा क्या कमरा तूने यार वाकई अच्छा बना लिया है। हाँ थोड़ा पीछे जा। अच्छा मुझे ना उस्मा का शुरू से ना ये डिजाइन बड़ा पसंद था इधर का ना, मैंने सोचा था मैं सोचा मैं ही बनाऊंगा। लोग कहते थे यार तुम्हारी शादी तुम्हारी बीवी लेके आएगी, तुम क्या करोगे? लेकिन मैंने फिर भी अपना कमरा बना लिया। लेकिन उसमें ये भी मुझे अच्छा लगा, कंसोल जो रखा ना, मैंने पहले ड्रेसिंग बनवानी थी, फिर मैंने कहा नहीं यार उसमें सामान नहीं आता हमजा पूरा। नहीं ये देखिए मेरा सबसे मोस्ट फेवरेट है। नहीं पता क्या उसमें बहुत ये कॉर्नर काफी डिसेंट लग रहा है, पता है ना। हाँ। और तूने ये सही किया कि एक साइड तेरी ब्लू एंड व्हाइट है और दूसरी तूने लाइक था कि एक ही रूम में अगर मैं दो टाइप के व्लॉग बनाना चाहूँ तो यहाँ अलग व्लॉग बन सकता है, यहाँ अलग बन सकता है। गाइस ये सारी मेहनत हमारी व्लॉग की होती है, आप प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, प्लीज शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप वॉशिंग है तो ये जो खर्चा वर्चा हम आपके लिए कर रहे हैं उस्मा, हाँ, इतना खर्चा जो हमने, ये जो उस्मा ने पूरी अलमारी बनाई है देख सकते हैं आप, उतना घन हटाया सारा ऊपर से। अच्छा उस्मा मैं एक चीज पूछूंगा, जो लाखों चप्पलें थी खूसे थे वो कहाँ गए? वो बाहर एक कबर्ड रखी है जो घर के बाहर रखी है ना, उसमें सब चप्पलें खूसे और पुराने कपड़े उसमें, इसमें सिर्फ नए कपड़े हैं। क्योंकि उसमें काम है सिर्फ शॉपिंग करना मेरी तरह और लाला के भरना। अभी मैं 4-5 दिन से रेगुलर शॉपिंग कर रही हूँ और जितने ड्रेस में ट्रायल कर रही हूँ सब स्टेटस पे डाले जा रही हूँ। वो मैंने बोला मैं खरीद भी रही, उनमें से 4 ही है बाकी सब स्टेटस पे डाल रही है। उस्मा लेकिन अच्छा हमारी भी अच्छी हो गई थी ना। हाँ फुल सेल्फी गाइस मेरी भी आ सकती है, आप देख रहे हो व्लॉग बना रहे अंदर तो अच्छा हो गया। हाँ चलो गाइस अभी बाकी लोग आएंगे तो उनसे मिलवाएंगे। उस्मा अफ्तार का वक्त हो चुका है, अब दस्तरखान भी सज चुका है, समोसे, फ्रूट चाट, पकौड़े, ये मीठे वाले दही बड़े और पता नहीं खरबूजा, तरबूज, सब
भी पहुंच गई है हमारे घर पे। हम तुम हमेशा रास्ता कैसे भूल सकती हो? अल्लाह पूछो नहीं, मैं नहीं नहीं तू बता दे। हाँ ये हेल्प करवाएगी, मरना चाहेगी। मेरी बात सुनो, थोड़ा पीछे ले लो, इतना बड़ा मुंह दिखाने तो मुंह है इतना बड़ा, तो क्या करें अब, छोटा कैसे काट दे, है ना। चीनी लेनी बच्ची? बिल्कुल नहीं लेनी है। फिर स्वीटी, स्वीटी मुंह के आगे हाथ रख दो। और ये स्वीटी हमारी फ्रेंड, हाँ ये कहाँ के लिए तैयार कराएंगे? मदनी चैनल में जाएंगे। अच्छा इनकी ट्रांसमिशन है, लड़ने लगे, लड़ने लगे, लड़ने लगे। उसमें देखा उसे, उसमें जाया कर दिया, कितने दाम लगाया ब्लॉग, है ना। ये ऐसे करती है, ओहो ये भी बोल दे, सब बोल दे रोजे में। फ्रेंड्स ये इनके आप देखते हैं, हाँ नहीं इनके रोजे हैं और आप लोग देख सकते हो। ये क्या कर रही है अकेली? हाँ ले ले दुपट्टा, ले ले फटाफट ले ले। इलाही वो के जिसके पास झोली है ना प्याला है, इलाही वो जैसे हिफ्स और हवस ने मार डाला है, बताएगी नुदान नफ्स के हाथों से उठ जाकर लुटा कर सारे पूंजी गफलतों। भूल गया पलक देखा। अच्छा पलक के हंसने की वजह से चुप कर गया। गुड। लुटा कर मैं चाय का नमक नमक मिर्च कर रही हूं। नमक मिर्च। साइमा भी आ गई, हाय साइमा। साइमा पलक भाई, इस टाइम तो होश नहीं था, बिरयानी बिरयानी बना रही थी मैं, बहुत बिजी थी तो मैंने बिरयानी के कोई शॉट नहीं डाले। मैंने कब जो पतीले में बच गई वही दिखा दूं। ये थी बिरयानी जो सबने माशाल्लाह इफ्तार के बाद वापस हमने सारे कवर वगैरह डाल दिए हर चीज़ के ऊपर, यहाँ से भी सब उठा लिया। और ये हमारे बच्चे जो बेचारे झूले के बगैर तड़प रहे थे, मेरे भाई का बेटा ये झूले के बगैर कब से तड़प रहा था, फाइनली झूला भी वापस घर में आ गया। अब बच्चे बैठ के कार्टून देखेंगे और हम धोएंगे बर्तन। सो एवरीवन, फाइनली इफ्तार ख़त्म हो चुकी है। बिरयानी मैं नहीं डाल सकी व्लॉग में क्योंकि उस टाइम मैं बिरयानी बना भी रही थी और गर्मी इतनी थी कि होश ही नहीं रहा कि बिरयानी का भी व्लॉग बना लूँ, वो भी व्लॉग में इंटर करूँ। पर बिरयानी वगैरह बनाई मैंने, सबको सर्व की, सबने सुकून से खाना वाना खाया। उस टाइम अच्छा नहीं लगता ना डिस्टर्ब करूँ लोगों को और बीच बीच में अपना व्लॉग स्टार्ट करूँ, तो फिर मैंने नहीं बनाई। फाइनली अब सब चले गए घर से, अब घर बिल्कुल खाली हो गया। अभी हम करेंगे सफाइयाँ और बर्तन बर्तन धोएंगे सुकून से आराम से और अपनी सहरी की तैयारी करेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं मेरे इसी तरह के और ब्लॉग्स तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में। ओके बाय। Won't you take me home?